गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट हियर नेक्स्ट टाइप ऑफ सोइल, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सोइल। सो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सोइल, सोइल फॉरेस्ट और माउंटेनियस सोइल। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेनियस या फॉरेस्ट सोइल क्या है। वो सोइल जो माउंटेनियस एरिया में या फिर फॉरेस्ट एरिया में फाउंड होती है वो माउंटेनियस जो है सोइल होती है या फॉरेस्ट सोइल होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो कोर फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दिस सोइल इज फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस regions and in slopes। देखिए ये जो soil है वो mountainous और hilly region में पाई जाती है या फिर slopes में पाई जाती है। ठीक है, जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, जो ढलान वाले area होते हैं, slope area होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। hilly area hills के जो foot hills होती है वहाँ पर पाई जाती है और mountains के अंदर पाई जाती है। Next देखिए, This soil is formed due to erosion or breaks up of upper layer of mountains। ठीक है, देखिए ये जो सोइल है, माउंटेनियस जो सोइल है या फॉरेस्ट जो सोइल है, ये माउंटेन्स की जो अपर लेयर होती है उसके इरोजन से, उसके ब्रेकअप होने से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि ये कोई माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये अपर लेयर है, जो ये सोइल की जो अपर लेयर है, इसकी जो अपर लेयर है, ये या तो हाई रेनफॉल होने से या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन से या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होती है, ब्रिक्स अप होती है, इसका इरोजन होता है, ये टूट जाती है। ठीक है, इस वजह से जो है माउंटेनियस या फॉरेस्ट सोइल का फॉर्मेशन ही होता है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन आर फाउंड इन दिस सोइल। देखिए इस सोइल के अंदर मुख्य रूप से जो है ह्यूमस पाया जाता है और एक नाइट्रोजन पाया जाता है। ह्यूमस कैसे पाया जाता है, ये फॉरेस्ट या माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है और डेंस वेजिटेशन होने की वजह से जो है इंटेंस लिंचिंग होती है, इंटेंस जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो टूटती है और डिकेड होकर जो है मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, सोइल में मिक्स हो जाती है, जिसे ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, और इस सोइल के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, दिस सोइल इज फ्रूटफुल फॉर मेज क्रॉप्स। देखिए ये जो सोइल है वो मक्के की फसल के लिए, मेज मीन्स होता है मक्का, मक्के की फसल के लिए जो है क्या मानी जाती है, सूटेबल मानी जाती है, फ्रूटफुल मानी जाती है। ज्योग्राफिकल रीजन, ये सॉइल कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में फाउंड होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल रीजन्स
जियोग्राफिकल रीजन्स में देखिए ये सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से हिमालय, इन हिमालय रीजन, इन हिमालय रीजन, इन हिमालय रीजन, इन हिमालय रीजन एंड स्लोप्स ऑफ हिमालय, स्लोप्स ऑफ हिमालय, हिमालय एंड रिवर वैलीज, एंड रिवर वैलीज। देखिए ये जो सोइल है मुख्य रूप से हिमालय रीजन के अपर पार्ट में पाई जाती है या फिर स्लोप्स ऑफ हिमालय, हिमालय के जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पे फाउंड होती हैं, और इसके अलावा ये रिवर वैली में पाई जाती है, जो घाटी होती है, नदी घाटी एरिया होता है उस एरिया में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए स्टेट्स, ये कौन कौन से स्टेट्स में फाउंड होती है, तो ये देखिए मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में पाई जाती है, हिमाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पंजाब एंड पंजाब, इन मुख्य स्टेट्स में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे, इसको मैप से अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैप से देखिए इसका मैप बनाते हैं अपन। इसके मैप की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ये मुख्य रूप से जो है ये सोइल है वो इस पार्ट के अंदर, देखिए इस पार्ट में ये जो है माउंटेनियस एरिया है, ये माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, तो देखिए ये जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब तक हो गई, फिर आसाम, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम वाला पार्ट आ गया। ठीक है, सिक्किम वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इस भागों में मुख्य रूप से ये, इस भाग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, इन भागों में ये पाई जाती है। यहाँ पे मत कर देना, यहाँ पे जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे मत कर देना, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में है, तो ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ तक ये पाई जाती है, यहाँ पर यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट जो सॉइल की टाइप है वो है रेड येल्लो सॉइल, रेड येलो सोइल, रेड येलो सोइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिस सोइल डेवलप्स डेवलप्स ड्यू टू इरोजन, ड्यू टू इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। देखिए जो सोइल होती है, या देखिए ये जो सोइल है रेड येलो जो सोइल है, ये इग्नियस रॉक्स, किसकी बात करते हैं भाई, इग्नियस रॉक्स जो है उसके डेवलप होने से, जो है उनका इरोजन होने से, उनके ब्रिक्स अप होने से, क्या होने से भाई, इरोजन का मतलब होता है ब्रिक्स अप होना, यहाँ पर क्या मतलब है, ब्रिक्स अप होना टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने से इस सोइल का जो है निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
दिस सोइल इज फाउंड is found in low rainfall area, in low rainfall area. एरिया देखिए, ये जो सोइल है वो लो रेनफॉल एरिया में फाउंड होती है. नेक्स्ट देखिए, दिस सोइल इज सूटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कोरस ग्रेन. जो कोरस ग्रेन होते हैं, ठीक है, कोरस ग्रेन जो होते हैं, जो मोटा अनाज होता है, उनके उत्पादन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए जो है ये सोइल सूटेबल मानी जाती है. अब हम बात करेंगे इसके जियोग्राफिकल रीजंस की, कि ये कौन कौन से जियोग्राफिकल रीजंस में फाउंड होती है, ये कौन कौन से जियोग्राफिकल रीजंस में फाउंड होती हैं. तो देखिए, ये जो है ईस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के उन एरियाज में पाई जाती है, साउदर्न और ईस्टर्न एरिया में, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो लो होती है, वहाँ पर ये सोइल जो है फाउंड होती है. स्टेट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से स्टेट्स में ये सोइल फाउंड होती है, तो वो भी देखिए आप, ओडिशा, ये सोइल ओडिशा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन, और इसके अलावा एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ गंगेटिक प्लेन. गंगा नदी का जो साउदर्न भाग, साउदर्न पार्ट है, कौन सा पार्ट है भाई, साउदर्न जो पार्ट है जो है गंगा रिवर का, उसके अंदर ये सोइल मेनली जो है फाउंड होती है. जैसे जो है पंजाब के निचले वाले इलाकों में, ईस्टर्न राजस्थान में ये पाई जाती है. इसके अलावा देखिए आप, इसको हम अगर हम मैप से डिस्कस करते हैं, तो इसका मैप देखिए, ठीक है, ये जो सोइल है मुख्य रूप से देखिए इन एरियाज में पाई जाती है. एक तो इस एरियाज में, एक ये देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये वाला भाग जो है इस एरिया के अंदर जो है, देखो एक मिनट, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, इस भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके मिडिल पार्ट की. देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो भाग है यहाँ पर, फिर ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो है ये सोइल पाई जाती है. ये सोइल मुख्य रूप से जो है पाई जाती है, कौन सी सोइल पाई जाती है, रेड येलो सोइल. देखिए इस सोइल का जो कलर है, मेनली इस सोइल का जो कलर होता है, वो कलर जो है इसका रेड होता है. कैसा होता है भाई, रेड. लेकिन जब ये वेट होती है, जब ये गिल्ली होती है रेनफॉल में या बारिश या पानी की वजह से, जब ये गिल्ली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो इसका जो कलर है वो येलो हो जाता है. कैसा दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड येलो सोइल के नाम से डिफाइन करते हैं. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है सोइल इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे.